उत्तर प्रदेश के संभल जनपद के गुन्नौर कोतवाली इलाके में थाने से कुछ ही दूरी पर ब्लॉक के सामने पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस के सामने परिजनों ने गांव के ही दो लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। थाने से कुछ ही दूरी पर सरीरह बाइक सवार की गोली मारकर हत्या कर दहशत फैलाने की वारदात गुन्नौर कोतवाली इलाके के तहसील रोड की है, जहां गुन्नौर कोतवाली इलाके के जाफरपुर गांव का निवासी चंद्रकेश यादव रविवार देर शाम किसी काम से जा रहा था। आरोप है कि इसी बीच सामने से आ रहे बाइक सवार युवकों ने चंद्रकेश यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। सरेराव फायरिंग की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग सहम गए, लेकिन चंद्रकेश यादव की हत्या के बाद आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। रविवार को दिन दहाड़े युवक की हत्या की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलने पर जनपद के एसपी चक्रेश मिश्र मौके पर पहुंचे और थाना पुलिस से घटना की जानकारी के बाद युवक के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। एसपी चक्रेश मिश्र ने बताया कि युवक की हत्या आपसी रंजिश में किए जाने की जानकारी सामने आई है। मृतक युवक के परिजनों ने गांव के ही दो युवक सुनील और राजीव पर युवक की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस को मामले की जांच कर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। थाना गुन्नौर के अंतर्गत ये तहसील की रोड पर आज शाम के टाइम पर एक मर्डर हुआ है, जिसमें मृतक चंद्रकेश यादव ये ग्राम जाफरपुर का रहने वाला है। इसको दो व्यक्तियों के द्वारा मोटरसाइकिल पर जाते हुए गोली मारना बताया जा रहा है। दो व्यक्ति जो इनके गांव के हैं, सुनील और राजू, इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। पुलिस के द्वारा मामले की तहकीकात की जा रही है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है और उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। सरेराह चंद्रकेश यादव की गोली मारकर हत्या के पीछे गांव में दो साल पहले हुई हत्या का कारण होने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जाफरपुर गांव में दो साल पहले संजू नाम के युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसमें चंद्रकेश सहित नौ लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। तभी से मृतक संजू के भाई सुनील और राजीव अपने भाई की हत्या का बदला लेने के फिराक में थे और मौका मिलते ही दोनों ने मिलकर भाई की हत्या का बदला लिया है। फिलहाल गुन्नौर कोतवाली पुलिस सभी एंगल से हत्या की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या था मामला पूरा? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पार्वती। अच्छा, कौन सा गांव है ये? जो है जाफरपुर। अच्छा, क्या हुआ है यहाँ? नहीं, आपके बेटे क्या करने गए थे वहाँ? मेरा बेटा घी लेने गया, मेहुआ और लौड़िया की आज छठी। अच्छा, तो कहाँ की बात है ये पूरी? जो गिन्नते लौट के आ रहा हूँ बेटा। तो फिर क्या हुआ? क्या हुआ पता चला कुछ अभी तक? तो लौट के आ रहा हूँ तो जो तहसील पे गोली मारिया, तहसील पे भी ये काम किन्ने मारिया? किन्ने? कोई जिन्ने राजू ने, विजयंदन ने और राजू ने, सुदीन ने और रज्जू ने और महिपाल ने। कुछ कार्ड पता चला क्या था? क्या था ये संग रह रहा है सब? कोई पुराना मामला था? इनके पुरानी रंजिश थी? नहीं, मेरे घर से मोटरसाइकिल निकाली ने पहले, सुदीन ने मेरे पहले निकाली ने मोटरसाइकिल मेरे घर में थे, जिन्होंने संजू ने पुरानी रंजिश है। मोटरसाइकिल निकाली पिछला दिन है, घर में पहले डकैती डाली, मेरे घर से सबसे निकाल लाओ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।